हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल, माई सेल्फ प्रियम शर्मा, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आदित्य एजुकेशन पर। आई एम बैक विद द थर्ड वीडियो ऑफ बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, द फोर्थ लेसन ऑफ इकोनॉमिक सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 12 गुजरात बोर्ड। फ्रेंड्स, इन द लास्ट वीडियो वी वर स्टडिंग अबाउट द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, इन विच वी हैव सीन थ्री फंक्शंस। टुडे वी विल प्रोसीड एंड वी विल स्टडी द रिमेनिंग प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, इन विच इन द लास्ट वीडियो वी हैव सीन थ्री फंक्शंस: एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज and payment and withdrawal facilities. In today's video, we will understand the most important primary function of commercial banks, and that is credit creation. Friends, credit creation का simple अर्थ होता है शाख सर्जन या उधार amount देना. The policy process of banks for lending money from primary deposits and thereby creating new deposits एंड इंक्रीज्ड मनी सप्लाई इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। यानी कि बैंक अपनी प्राइमरी डिपॉजिट्स में से लोगों को उधार पैसे लोन के रूप में देकर बैंकिंग व्यवस्था में नई डिपॉजिट्स क्रिएट करके मनी सप्लाई बढ़ाने की जो प्रोसेस करती है, उस प्रोसेस को हम क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। बैंक्स अंडरटेक द एक्टिविटी ऑफ क्रेडिट क्रिएशन टू एंश्योर दैट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी फुलफिल्स द डिमांड फॉर मनी। बैंक्स क्रेडिट क्रिएशन की एक्टिविटी इसलिए करती हैं कि जिससे इकोनॉमी में या मार्केट में अगर मनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से या मनी की डिमांड के जितना मनी का सप्लाई अगर ना हो तो मनी की सप्लाई क्रेडिट क्रिएशन से बढ़ाई जा सके। फ्रेंड्स, क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस से बैंक एक ही डिपॉजिट से कई सारी डिपॉजिट्स क्रिएट करती है और बैंक के पास जो डिपॉजिट आती है उस डिपॉजिट को वो कई गुना ज़्यादा पैसों में कन्वर्ट कर लेती है। क्रेडिट क्रिएशन होने से मार्केट में या इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होती है। अगर क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होता है तो मनी सप्लाई ज़्यादा होती है, और अगर मनी की सप्लाई को कम करना हो तो क्रेडिट क्रिएशन अगर कम कर दिया जाए तो मनी सप्लाई भी रिड्यूस हो जाती है। तो फ्रेंड्स, बैंक के क्रेडिट क्रिएशन कैसे करती हैं ये समझने के लिए हमें दो अजम्पशंस ध्यान में लेने पड़ेंगे। फर्स्ट, ऑल बैंक्स आर वन यूनिट। यानी कि आपने जितनी बैंकों का नाम सुना है वो सभी अलग अलग ना होकर सिर्फ एक ही बैंक यूनिट है, ऐसा आपको मानकर चलना है। और ये बात कुछ हद तक सही भी है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, सपोज़ आपका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, आपके पास जो डेबिट कार्ड है या एटीएम कार्ड है वो एसबीआई का होगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो किसी दूसरे बैंक के एटीएम से भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो। यानी देखा जाए तो सभी बैंक एक लिंक से जुड़ी हुई हैं और सभी एक ही यूनिट हैं। सेकेंड अजम्पशन, ऑल ट्रांजेक्शन्स आर डन थ्रू बैंक ओनली। यानी आपको दूसरी धारणा ये माननी है कि मार्केट में जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सभी बैंक के थ्रू ही होते हैं। आपको एक बात और नोट करनी है फ्रेंड्स कि नो बैंक कैन लैंड द फुल अमाउंट ऑफ अ डिपॉजिट। बैंक के पास जितनी डिपॉजिट आती है वो पूरी की पूरी डिपॉजिट बैंक एज अ लोन किसी दूसरे कस्टमर को नहीं दे सकती। फ्रॉम एवरी डिपॉजिट द बैंक हैज़ टू कीप असाइड सम प्रपोर्शन ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व्स, विच इज़ नोन एज कैश रिजर्व रेशियो। तो फ्रेंड्स, आरबीआई के रूल्स के मुताबिक जितनी भी डिपॉजिट बैंक के पास आती है बैंक उस सारी डिपॉजिट को एज अ लोन नहीं दे सकती। उस डिपॉजिट में से कुछ प्रपोर्शन बैंक को अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है ताकि कभी भी किसी कंटिंजेंसी में किसी कस्टमर को रातों रात अगर पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो बैंक अपनी उस रिजर्व में से वो पैसे उस कस्टमर को दे सकती है। अगर बैंक सारे पैसे एज अ लोन दे देगी तो ज़रूरत पड़ने पर
कस्टमर को उनका पैसा कैसे लौटाएगी। तो इसीलिए आरबीआई के रूल के तहत बैंक को अपने पास कुछ प्रपोर्शन में कुछ पैसा रिजर्व रखना पड़ता है, जिसे हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। तो इन दो अजम्पशंस और इस नोट को जान लेने के बाद अब हम सीखेंगे कि बैंक किस तरीके से क्रेडिट क्रिएशन करती है और मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज करती है। इसे समझने के लिए फ्रेंड्स हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। सपोज अ पर्सन नेम्ड ए डिपॉजिट्स ₹1000 इन बैंक एंड द कैश रिजर्व रेशियो डिटरमाइंड बाय रूल इज 20%। मान लीजिए फ्रेंड्स कि ए नाम का एक बंदा ₹1000 बैंक में डिपॉजिट कराता है और रूल्स के मुताबिक जो कैश रिजर्व रेशियो है वो 20% है। अब बैंक के पास जो भी अमाउंट एज अ डिपॉजिट आती है, बैंक उस अमाउंट को किसी दूसरे ज़रूरतमंद व्यक्ति को एज अ लोन दे देती है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देती है। इसी से बैंक अर्निंग करती है। तो जैसे ही बैंक के पास ये ₹1000 आएंगे, बैंक इन पैसों का क्या करेगी फ्रेंड्स, बैंक इन पैसे को एज अ क्रेडिट किसी को देगी। तो पूरे ₹1000 बैंक एज अ क्रेडिट या एज अ लोन नहीं दे सकती, इसीलिए बैंक को इस ₹1000 का 20% अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा। सो द रिजर्व अमाउंट विल बी 1000 × 20%, तो ₹200 बैंक अपने पास रिजर्व रखेगी एंड ₹800 बैंक एज अ लोन किसी भी दूसरे ज़रूरतमंद कस्टमर को दे सकती है। अब क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस को समझने के लिए हम इस टेबल का स्टडी करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में अलग अलग बैंक्स होंगी, सेकंड कॉलम में नेट डिपॉजिट, थर्ड कॉलम में कैश रिजर्व रेशियो जो कि हमने माना हुआ है कि 20% है, और बैंक न्यू लोन किस तरीके से देती है। सो फ्रेंड्स, हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग ए नाम की बैंक में नेट डिपॉजिट 1000 एक कस्टमर डिपॉजिट कराता है, उस 1000 का 20% कैश रिजर्व रेशियो 200 बैंक अपने पास रख लेती है और इस ₹1000 में से ₹800 की नई लोन किसी दूसरे ज़रूरतमंद कस्टमर को दे दी जाती है। अब ये ₹800 मार्केट में फिर से आ चुका है। अब जिसने ₹800 की लोन ली होगी वो उस पैसों का क्या करेगा फ्रेंड्स, तो वो कहीं ना कहीं इन पैसों को खर्च करेगा। और जैसा कि हमने अजम्पशन किया हुआ है कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बैंक के थ्रू होती हैं, तो वो जब इन ₹800 को खर्च करेगा तो वो बैंक के थ्रू ही पेमेंट देगा, यानी कि जिस किसी को वो पेमेंट देगा वो इस ₹800 से उसके बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराएगा या अपना पेमेंट वो उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र करेगा। तो फ्रेंड्स, ये ₹800 फिर से बैंक के पास वापस आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं वही ₹1000 हैं जिसमें से 200 रिजर्व रख के बैंक ने 800 लोन दी थी, वो लोन घूम फिर के फिर से बैंक के पास ही आ गई है एक नई डिपॉजिट के रूप में। अब आप अगर ये सोचें कि उसने जिस इंसान को पेमेंट किया होगा उसकी बैंक अगर कोई और हुई तो फ्रेंड्स, इसीलिए हमने हमारा फर्स्ट अजम्पशन रखा था कि ऑल बैंक्स आर वन यूनिट, यानी कि चाहे कोई भी बैंक क्यों ना हो, है तो वो बैंक ही। तो बैंक को हमने एक यूनिट माना है, चाहे वो SBI हो, चाहे वो PNB हो, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो, सिंडिकेट बैंक हो, कैनरा बैंक हो, ICICI हो, HDFC हो, चाहे वो कोई भी बैंक हो, तो वो एक ही यूनिट है ऐसा हम मान के चलते हैं। तो यहाँ सपोज उसने ए नाम की बैंक से लोन ली थी और पेमेंट उसने बी नाम की लोन को किया है, फिर भी ये ₹800 आया बैंक के पास ही है। अब इस ₹800 जो कि बैंक में एक नई डिपॉजिट के रूप में आई है, उसे भी बैंक किसी दूसरे ज़रूरतमंद कस्टमर को दे देगी, लेकिन एज पर रूल इसका 20% 160 अपने पास कैश रिजर्व रखेगी और ₹800 में से 160 माइनस करके जो ₹640 बचते हैं उसे एक नई लोन के रूप में किसी तीसरे ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे देगी। अब बैंक ने ये जो ₹640 किसी तीसरे व्यक्ति को दिए हैं वो क्या करेगा फ्रेंड्स, वो भी इन पैसों को कहीं खर्च करेगा और सारे ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू होने से ये ₹640 भी किसी सी नाम की बैंक के पास फिर से डिपॉजिट हो जाएंगे।
बैंक्स इन 640 रुपीज़ में से 20% रिजर्व 128 काटकर 512 रुपीज़ किसी चौथे व्यक्ति को एज अ लोन दे देगी। तो ये प्रोसेस फ्रेंड्स चलती रहेगी। तो ये प्रोसेस कब तक चलेगी ये जानने के लिए हम एक कैलकुलेशन समझेंगे। इस कैलकुलेशन में हम क्रेडिट क्रिएशन फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला होता है प्राइमरी डिपॉजिट डिवाइडेड बाय कैश रिजर्व रेशियो। तो फ्रेंड्स हमने जो एग्जांपल स्टार्टिंग में देखा था उसमें ए नाम का व्यक्ति बैंक में 1000 रुपीज़ डिपॉजिट कराता है, तो वो 1000 रुपीज़ बैंक की प्राइमरी डिपॉजिट हुई और हमारा कैश रिजर्व रेशियो वो 20% है। सो 1000 डिवाइडेड बाय 20%, यहाँ से परसेंटेज का साइन रिमूव करने के लिए हम न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा ₹5000। सो फ्रेंड्स बैंक में जो प्राइमरी डिपॉजिट थी वो थी ₹1000। अब उस 1000 को बैंक जब तक 5000 रुपीज़ नहीं बना लेती तब तक ये प्रोसीजर कंटिन्यू रहेगी। तो नेट डिपॉजिट जो 1000 है वो टोटल 5000 बन जाएगी। इस 5000 का 20% 1000 वो बैंक के पास कैश रिजर्व रेशियो के रूप में रह जाएगा और 4000 रुपीज़ एक नई लोन के रूप में मार्केट में घूम रहे होंगे, यानी कि मार्केट में नई मनी सप्लाई हो गई होगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जितना प्राइमरी डिपॉजिट किसी इंसान ने बैंक में डिपॉजिट कराया था, जब बैंक के पास उतनी ही अमाउंट रिजर्व के रूप में रह जाएगी उस वक्त जो पैसा मार्केट में एडिशनल घूम रहा होगा इसी प्रोसेस को हम क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। When credit creation by banks increases, the supply of money increases, and when credit creation decreases, the supply of money decreases. This point we have already discussed. When customers withdraw more amount than the deposited amount from their current account, it is called overdraft facility. ये आप जानते हैं friends कि अपनी जमा रकम से ज़्यादा amount अगर कोई customer bank से withdraw करता है तो इस facility को हम overdraft facility कहते हैं। And this also leads to credit creation. यानी कि overdraft facility जो bank देती है ये भी one kind of credit creation ही है। So the last primary function of commercial bank and that is interbanking transactions. Bank provides short-term and long-term credit to one another from time to time. यानी कि friends जरूरत पड़ने पर एक bank दूसरी bank को फिक्स टाइम पीरियड के लिए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म क्रेडिट या लोन प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल किसी बैंक के पास जो कैश रिजर्व रेशियो रखा हुआ है वो कैश रिजर्व सफिशिएंट नहीं है किसी कस्टमर को पेमेंट करने के लिए। जैसे कि किसी दिन ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा कस्टमर बैंक के पास विड्रॉ करने के लिए आए और बैंक के पास उतनी सफिशिएंट अमाउंट ना हो जिससे वो कस्टमर को उनका पैसा लौटा सके। तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में एक बैंक दूसरी बैंक से क्रेडिट या लोन लेती है। तो बैंक इस तरीके से एक दूसरे की जो हेल्प करती हैं उसे हम इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन कहते हैं। शॉर्ट टर्म क्रेडिट इज प्रोवाइडेड बाय वन बैंक टू अनदर बैंक थ्रू सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड कॉल मनी। तो आपको ये एज अ मीनिंग भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज कॉल मनी। तो फ्रेंड्स एक बैंक के द्वारा दूसरी बैंक को जो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड की जाती है उसे हम कॉल मनी कहते हैं और ये लोन सेंट्रल बैंक यानी कि मध्यस्थ बैंक के द्वारा कराई जाती है। एंड द इंटरेस्ट रेट ऑफ कॉल मनी इज कॉल्ड कॉल मनी रेट। तो एक बैंक ने दूसरी बैंक से जो पैसे मंगाए हैं उन पैसों के ऊपर उसे जो इंटरेस्ट देना होता है उस इंटरेस्ट के रेट को हम कॉल मनी रेट कहते हैं। सो फ्रेंड्स Here the topic of primary functions of commercial bank is completed. So friends, we stop here today. I hope you all have understood all the points that I have explained. If you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. Friends, agar aapko video pasand aaya hai, to please use like karein, apne friends mein share karein aur apna valuable comment hame dein. ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करें।